ये है बोट एवांटे ब्लूटूथ साउंडबार स्पीकर। ये सब वूफर के साथ में आता है और इसकी कीमत है 8,999 रुपये। अगर आप अपने होम ऑडियो एक्सपीरियंस को अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है बोट कंपनी का एवांटे साउंडबार स्पीकर। इसकी खासियत यह है कि ये सब वूफर के साथ में आता है। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और जो स्पेसिफिकेशंस है डिटेल्स में बॉक्स के ऊपर ही दिया हुआ है। अब ये जो स्पीकर है इसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, बिल्ट इन ब्लूटूथ भी है। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इस बॉक्स को मैंने खोल दिया है और बॉक्स के अंदर आपको एक साउंड बार मिलता है और साथ में एक सब वूफर भी मिलता है जिसे इस प्रकार से पैक किया गया है। तो ये देखिए, ये है साउंड बार और ये है सब वूफर। इस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग वाकई में काफ़ी बढ़िया है। ये 120 वॉट्स आरएमएस का साउंड बार है और जो सब वूफर है वो 60 वॉट्स का है। 2.1 चैनल है, स्लीक है और प्रीमियम फिनिशिंग के साथ में आता है। ये देखिए, ये काले रंग का है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है, यूनिक डिज़ाइन है और ये कोई भी रूम में बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। अगर आपके पास एक टीवी है तो टीवी के साथ में भी आप इस साउंड बार का उपयोग कर सकते हैं। जो साउंड एक्सपीरियंस है इस साउंड बार लगाने के बाद एक अलग ही लेवल पर चल जाएगा। अगर आप चाहें तो वॉल माउंट भी कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आपको ये यूज़र मैनुअल मिलता है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ में ये केबल भी इंक्लूडेड है बॉक्स के अंदर, ये है ऑडियो केबल। इसके अलावा आपको ये रबर पैडिंग भी मिलता है, पीछे स्टिकर है, इसे आप चिपका भी सकते हैं। और साथ में बॉक्स के अंदर आपको बोट कंपनी का कैटलॉग मिलता है जिसमें आपको बोट कंपनी के अन्य प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ में वारंटी कार्ड भी इंक्लूडेड है, ये है वारंटी कार्ड। अगर आपको वॉल माउंट करना है तो उसके लिए जो वॉल माउंट अटैचमेंट है वो भी बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है, ये देखिए। और जो आखिरी कंटेंट रह गया है वो है ये रिमोट। जी हाँ, ये साउंड बार रिमोट के साथ में आता है। इस रिमोट से आप साउंड बार के बहुत सारे जो फीचर्स हैं उन्हें आप कंट्रोल कर पाएंगे और इस रिमोट को ऑपरेट करने के लिए आपको 2 AAA बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो साउंड बार है इसके पीछे पावर कॉर्ड है और उसके ऊपर जो सब वूफर है उसे अटैच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। आपको ऑक्सिन, ऑप्टिकल और HDMI आर्क जो ऑप्शन है वो मिलता है। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ भी है तो आप वायरलेस ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। अगर आप जो साउंड बार है उसे देखें तो वहाँ पर ये एक्स पैटर्न है, यही सेम पैटर्न आपको सब वूफर पर भी मिलेगा। यहाँ पर जो एक्स पैटर्न है उसे ग्लॉसी फिनिशिंग दिया हुआ है, ये देखिए। ये जो सब वूफर है पीछे से इस प्रकार का दिखता है और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक केबल है और जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो इस प्रकार का है। तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है इसे आपको साउंड बार के साथ में कनेक्ट करना है। किस प्रकार से कनेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो साउंड बार है इसके साथ में एक पावर कॉर्ड है, तो ये जो पावर कॉर्ड है इसे आपको पावर स्लॉट में डालना है ताकि जो साउंड बार है वो पावर अप हो जाए। और ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो सब वूफर का कनेक्टिंग पॉइंट है, इसे आपको जो साउंड बार है उसके पीछे यहाँ पे, ये देखिए, ये खास पॉइंट दिया हुआ है सब वूफर के लिए, सब वूफर का जो स्पीकर है उसे कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको अटैच करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस साउंड बार को कंट्रोल करने के लिए आप जो रिमोट दिया हुआ है बॉक्स के अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रिमोट नहीं है, कुछ कारणवश रिमोट नहीं मिल रहा है, तो साउंड बार के ये जो साइड है राइट हैंड साइड, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बटन्स दिया हुआ है। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है और साथ में वॉल्यूम के बटन्स भी दिए हुए हैं। प्लस और माइनस वॉल्यूम को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक USB पोर्ट भी है। अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें गाने हैं तो आप यहाँ पर इस साउंड बार में डाल सकते हैं और डायरेक्टली उस पेन ड्राइव से गाने प्ले कर सकते हैं। मैंने इस साउंड बार को Mi TV 4 के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास HDMI केबल नहीं है, इसलिए मैं जो HDMI पोर्ट है उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है ऑक्स का। अब प्रॉब्लम यह है कि Mi TV 4 में ऑडियो जैक नहीं है तो वो ऑप्शन का भी मैं उपयोग नहीं कर पाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो ब्लूटूथ फीचर है उसका उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड्स मिलते हैं। मैं ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करके जो Mi TV 4 है उसका ब्लूटूथ का उपयोग करके इस स्पीकर के साथ में कनेक्ट करता हूँ। अगर मेरे पास HDMI केबल होता तो मैं डायरेक्टली जो टीवी का HDMI पोर्ट है और जो साउंड बार है उस पर जो HDMI आंख पोर्ट है उसे कनेक्ट कर सकता। अब ये केबल का भी मैं उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि
मी टीवी 4 में ऑडियो जैक का ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्लूटूथ का ही उपयोग कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब ब्लूटूथ ऑप्शन में जाता हूँ और ब्लूटूथ के ज़रिए मी टीवी 4 और बोट अवांटे को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए अवांटे साउंड बार दिख रहा है और ये देखिए, और अब मैंने जो ब्लूटूथ है उसका उपयोग करके दोनों ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया है। अगर आपको याद होगा मैंने मी साउंड बार का रिव्यू किया था, अब ये जो मी साउंड बार था उसमें जो ब्लूटूथ है अगर मैं उसे मी टीवी 4 के ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट करूं तो थोड़ा सा लैग हो रहा था, लेकिन वैसा लैग मुझे यहां पर नहीं मिला। इस प्रोडक्ट की साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं इसे मी साउंड बार के साथ में कंपेयर करूं तो मी साउंड बार के कंपैरिजन में ये जो साउंड बार है ये काफ़ी लाउड है, और क्योंकि इसमें सब वूफर है उसके कारण आपको एक अलग ही साउंड एक्सपीरियंस मिलता है जो मी साउंड बार में आपको नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, रिमोट का उपयोग करके आप बहुत सारे ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि बेस और ट्रिबल, और कुछ प्री डिफाइंड ऑडियो सेटिंग्स हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाता हूँ, उससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इस स्पीकर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्पीकर है और बहुत ही बढ़िया प्राइस टैग के साथ में आता है। ये आपका जो होम एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस जो है उसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाएगा। ये है बोट अवांटे साउंड बार, सब वूफर के साथ में आता है और इसकी कीमत है 8,999 रुपये। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।